सुख में रहे चाहे ना रहे, दुख में हम हमेशा साथ रहेंगे चाहे हमारी दुश्मनी क्यों ना हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्कैनर मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से भी देख लगा सकते हैं और थंबनेल पे से भी उठा सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग मदद करिए, सपोर्ट करिए, आप लोग की मदद की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग मदद नहीं करेंगे तो एक जान जा सकती है, और मदद कर देंगे तो एक जान बच सकती है, और एक जान बचेगी तो कितनी दुआ कितने आशीर्वाद आप लोग को मिलेंगे। आप नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और जो कि दोस्तों बहुत दुख की बात है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि राधा भी टेंशन में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं? प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों बहुत ही दुख की बात है कि, और ये अर्जेंट में वीडियो बना रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा और थोड़ा सा दूर करो, अर्जेंट में वीडियो बना रहे हैं। और क्या कहने, पहली बात तो गोरखपुर में नहीं, अगर गोरखपुर होते तो जाते ज़रूर। और अभी ये निशा दीदी के यहाँ, आप लोग जानते हैं निशा दीदी के घर में क्या हादसा हुआ था, तो हम लोग वहाँ पे आए। फिर अब उनके बाबू का 11 तारीख को मुंडन है, तो वो हो जाएगा, वो है विंध्याचल। तो विंध्याचल से जब निपट लेंगे तो फिर गोरखपुर जाएंगे। और हमारी प्यारी सी मतलब सब्सक्राइबर भी हैं, हमारी फ्रेंड भी हैं, हमारी बहन भी हैं, हमारी नंद भी है। सलोनी की बात हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो कन्हैया भैया के घर पर रहती हैं सलोनी, उनकी मम्मी का ऑपरेशन हो रहा है, और बहुत दुख है। लेकिन जितनी वो सीधी हैं उतना ही उनके साथ दुख आता है उन पे, क्योंकि शुरू से उन्होंने बहुत दुख का सामना किया है, शुरू से ही बहुत दुख का सामना किया उन्होंने। और आज उनकी बेटी देखिए इस लायक हो गई हैं कि यूट्यूब पे वीडियो बना रही हैं, कुछ अर्निंग कर रही हैं, और कुछ अर्निंग कर यूट्यूब की ही कमाई से अर्निंग करके अपनी मम्मी की जो भी है दवाई वाई करा रही थी, तो दवाई से नहीं ठीक हुआ, उनको दो शायद ऑपरेशन है, और ऑपरेशन छोटा नहीं है, बड़ा बड़ा ऑपरेशन है। और मतलब बहुत ही रो रही थी उस दिन भी मिली थी, तो कहा बोल रही थी बहनी पता नहीं जिंदगी कोनो भरोसा ना बा, अगर ऑपरेशन हुई बचत तो मिले, ना बचत तो ना मिले। तब हमने उनको तसल्ली दी, हमने कहा कुछ नहीं होगा, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। मैंने उनको समझाया, फिर मैंने उनसे बोला भी कि आऊँगी, आप टेंशन मत लो, आएंगे हम लोग आएंगे। तो मुझे नहीं पता था तत्काल में ऑपरेशन होगा, ये नहीं पता था कि तत्काल में उनका ऑपरेशन होगा। तो शायद कल के नहीं, जिस दिन कौशल भैया के वो था एनिवर्सरी, उसी के एक दिन बाद पहले होने वाला था, तो उस दिन रोका गया, तो एक दिन बाद होने वाला था, लेकिन इतना समय लग गया, पैसे की भी दिक्कत, और वजह से कमजोर भी हैं, और पैसे की कुछ दिक्कतें भी हैं। तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इतनी बड़ी हमारी यूट्यूब फैमिली है, अगर आप लोग एक एक रुपये करके भी, देखिए हम लोग से जहाँ तक होगा हम लोग करेंगे, लेकिन अगर आप लोग से भी जहाँ तक हो सके वहाँ तक करिए, चाहे एक रुपये से मदद करिए, चाहे 4 रुपये से मदद करिए, मदद करिए। अगर आप लोग किसी की मदद करेंगे ना, तो कभी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपके लिए भी कोई खड़ा रहेगा। और मतलब हम यही सोचते हैं, देखिए अभी तो मान लीजिए सलोनी घर में बड़ी है, तो उसकी मम्मी के ऊपर जो बीत रहा है तो उसको सलोनी ही अच्छे से समझेगी, और सब मदद कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, हम बस यहाँ से फ्री हो जाए उसके बाद जाएंगे, जो मदद करना होगा करेंगे। और आप लोग को पता है मैं कुछ भी मदद करती हूँ मैं यूट्यूब पे नहीं दिखाती हूँ, ना बताती हूँ, चाहे किसी भी मैटर में हो। और क्या कहें, बस एक हमारी यूट्यूब फैमिली है, उनके सामने हम इन बातों को रख रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग से जहाँ तक हो सके आप लोग उनकी मदद करिए, सलोनी की मदद करिए। बाकी का मैं स्कैनर लगा दूंगी और नंबर भी डाल दूंगी। आप लोग के मतलब 4 बच्चे भी हैं ना? उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, बेटा छोटा है। और मतलब घर में सलोनी बड़ी है, सलोनी खाली बड़ी है, और सलोनी भी मेहनत कर रही है कन्हैया भैया के घर पे रह के, आप लोग देख ही रहे हैं। और कन्हैया भैया भी बहुत सपोर्ट करते हैं, सबका करते हैं, तो कन्हैया भैया ने किया भी है सपोर्ट, और हम लोग से भी जहाँ तक होगा करेंगे। बस मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ, फिर उसके बाद जाऊँगी उनके पास, जैसा होगा जो होगा वीडियो के माध्यम से ही बताएंगे, बस ये नहीं बताएंगे क्या मदद की है, बाकी का जो भी होगा आप लोग को बता देंगे। और प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर एक माँ की जान बच जाती है आप लोग की मदद से, और आप लोग दुआ भी करिएगा, अगर आप लोग दुआ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मदद, जो करना हो आप लोग मदद करिए, मदद के साथ साथ आप लोग दुआ भी करिए, ताकि दुआ भी लगे मदद भी लगे। और कभी भी अगर अभी ऐसा हमारे ही माँ के साथ होगा तो हम भी अपने सोशल मीडिया पे रखेंगे इस बात को, तो इसी तरीके से सलोनी की मम्मी के साथ ऐसा हो रहा है तो सलोनी ने भी रखा, कन्हैया भैया ने भी रखा, सभी रख रहे हैं। तो
सभी लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जहाँ तक हो, जितने चाहे बड़े यूट्यूबर हो चाहे छोटे यूट्यूबर हो, मदद करें जो भी है, चाहे 1 रुपये से हो चाहे 4 रुपये से हो, मैं शुरू से बोल रही हूँ, चाहे 1 रुपये से हो चाहे 4 रुपये से हो, आप लोग मदद करिए, क्योंकि एक माँ की बात है, अगर माँ जिंदा रहेगी तो 100 बेटी 100 बेटा पैदा हो सकते हैं, 100 बेटी बेटा की नसीबें बदल सकती हैं, लेकिन अगर एक माँ को कुछ हो जाए तो जब माँ ही नहीं रहेगी तो बच्चे क्या करेंगे। और बहुत अच्छी हैं सलोनी की मम्मी, हम उनसे मिले हैं, और जब हमारे पर केस हुआ था तभी भी उन्होंने हमारे पर मदद की थी ना मेरे बा, जब हमारे पास केस हुआ था तो हमारे साथ उन्होंने मदद किया था, तो हम यही कहेंगे कि उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो भगवान उनके साथ भी बुरा ना करे। और मेन बात है माँ की दोस्तों, जब माँ पे बात आती है ना, माँ बाप पे, तो अच्छे अच्छे मन पिघल जाते हैं, अच्छी अच्छी आत्माएं रो देती हैं, और बस यही कहेंगे कि माँ के लिए आप लोग मदद करिए जहाँ तक हो सके, और अगर माँ नहीं रहेगी ना तो दुनिया में कुछ नहीं है, जो भी है माँ है, अगर चाहे हमारी माँ हुई चाहे हमारे हस्बैंड की माँ हुई, किसी के ऊपर भी दुख पड़ता है तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि पूरी मेहनत और लगन से उसको सही करें, लेकिन हमारे घर आप लोग जानते ही हैं छोटा सा हादसा हुआ था, तो इनकी मम्मी थोड़ी अभी नाराज हैं, कोई बात नहीं, वो तो सास हैं, कोई बात नहीं, नाराज हैं कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, बेटा तो उन्हीं के है ना, बेटे तो उन्हीं के हैं, तो कल बाबू से भी बात किए थे तो बाबू भी बोल रहा था कि दादी का गुड़वा बड़ी पीड़ा था, और तब हम बोले बाबू से कि दादी दवाइयाँ ना ले लेनी है, तो मेरा बाबू बोला दवाई बहुत सारा ले थी बकीर खा थी ना, आराम ना मिला था, तो हमको भी दुख हुआ कि अगर हम वहाँ पे होते, पहले तो हम लोग किसी लायक नहीं थे ना मेरी पापा, पहले हम लोग किसी लायक नहीं थे, लेकिन अब हम लायक हैं, जब हम लायक नहीं थे तो उस घर में थे, और आज हम जब किसी लायक हो गए हैं, 2 पैसे कमा सकते हैं, 2 पैसे से मदद कर सकते हैं, तो हम घर में नहीं हैं, और अभी हमारी सास गुस्सा है कि अगर हम अपने सास को पैसे भी दें चाहे हम दवाई के लिए ले चलें, पता नहीं जाएंगी कि नहीं जाएंगी, ये कुछ यही सब सोच के हम लोग दरवाजे पे नहीं जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये सब बात थी, और जो कि आप लोग सपोर्ट करिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 10,000 5,000 भेजिए आप लोग, बस 1-2 रुपए जो भी हो आपके, 1-1 रुपए से बहुत इकट्ठा करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, और हम ही नहीं हर कोई सपोर्ट करेगा तो बहुत कुछ होगा, हो सकता है किसी का जान बच जाए, अगर 2-4 10 रुपए देने से अगर किसी का जान बच जाता है तो जाहिर सी बात है हम लोग तो देंगे। आप लोग से जो हो सके वो करिए, क्योंकि अगर आप लोग मदद करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी भगवान खड़े रहेंगे। अभी देखिए हम नहीं हैं, हमारी सास की तबीयत ख़राब है, हम नहीं हैं, हमारी बड़ी वाली जेठानी है, जहाँ तक हो रहा है कर रही हैं, और हमारी बड़ी वाली, मैं आप लोग को एक बात और क्लियर कर दूँ कि हमारी बड़ी वाली जेठानी है, इसलिए हम लोग और टेंशन फ्री हैं, हम लोग घर पर नहीं जा रहे हैं, अगर वो नहीं होती और उनकी मेरी सास की तबीयत ख़राब होती तो मेरी सास कितनी भी गुस्सा है हम उनको जाते ज़बरदस्ती दवाई के लिए लेके जाते, और अभी लेकिन बड़ी वाली जेठानी है तो संभाल ले रही है, तो इस वजह से हम लोग नहीं जा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं तुम चले जाओ, तुम्हारी मम्मी है, हम तो मान लो हम दूसरे घर के हैं, तुम्हारी मम्मी है तुम चले जाओ, लेकिन ये बोलते हैं कि अब मान लो अभी अगर जाऊँ अगर भगा दें तो क्या करूँगा, तो ये सब बात की बात है दोस्तों। देखिए नाराजगी अपने जगह पर, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी हुआ चाहे हमारे अपने हुए चाहे पराए हुए, अगर दुख में रहेंगे तो हम हमेशा साथ रहेंगे, सही बात ना अनुभव, कोई भी रहेगा दुख में रहेगा तो जाहिर सी बात हम लोग साथ, चाहे हमारे अपने हो चाहे पराए, वो या पूछे या ना पूछे, सही बात है, इनकी मम्मी पूछे चाहे ना पूछे, देखिए वो पैदा करी है इनको, हम उनके घर की बहू हैं, अगर क्या हुआ अगर हमारे में उनके में कुछ भी हुआ, बस बाहर ही कोई आके ना बोलने जाने पाए, घर में कुछ भी हो हम लोग समझ लेंगे, तीसरा आदमी नहीं बोलना चाहिए बस, और बस यही कहेंगे कि जैसे हमारी माँ है हमारी सास है वैसे ही सलोनी की मम्मी है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, वो भी हमारी, हम उनको प्यार से बहुत बहुत अच्छी हैं सलोनी की मम्मी, और हम यही सोचते हैं कि जो लोग अच्छे होते हैं उन्हीं के साथ हमेशा क्यों बुरा होता है, हम तो इस बात से हमेशा भगवान से कहते हैं कि ये भगवान जो लोग अच्छे हैं उन्हीं के साथ आप ऐसा क्यों करते हैं, तो प्लीज़ मुझे अपनी फैमिली पर पूरा विश्वास है, आप लोग से जो मदद हो वो मदद करिए, और एक बात और कहना चाहूँगी, अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो अगर आप लोग जो भी मदद कर रहे हैं मेरे चैनल में आप लोग कमेंट करके बता दीजिए
चाहे मेरे चैनल पे नंबर है, मेरे राधा रामवीर म्यूजिक नंबर वाले नहीं पे है। भी हमारा नंबर है, आप लोग वहाँ से निकाल के उस चैनल पे जाइए, हमारा एल्बम वगैरह पड़ता है, वो हमारा खुद का है, तो आप लोग वहाँ से निकाल के फ़ोन करके हमको बता देंगे कि हमने सलोनी की मम्मी की ये मदद करी है, तो हम वो आपका वीडियो अपने चैनल पे वीडियो बना के अपने पब्लिक को बताएंगे कि इतने लोगों ने सलोनी की मम्मी की मदद करी है, इतने लोगों ने दुआ किया, इतने लोगों ने इस चीज़ से मदद की, इतने लोगों ने इतने से मदद की। आप लोग जो भी मदद करेंगे चाहे कमेंट के माध्यम से, हम हमारे इस कमेंट में बता दीजिए कि हमने इतनी मेहनत की, हमने ये मदद करी है, इतने से मदद करी है, तो हम लोग उस पर भी वीडियो बना देंगे, आप लोग के चैनल का नाम लेके वीडियो बना देंगे। और एक बात और दोस्तों, वीडियो बस बनाने मदद की बात करिए। आई है तो ये भी हम क्लियर कर देना चाहते हैं। एक बार जब ऐसे मालती के मैटर में हुआ था तो काफ़ी लोग मतलब सिस्टर बहने पैसा भेजी थी और मेरे पास स्कैनर भी भेजी थी, कितना पैसा सेंड कर दिया हूँ। और उस समय हम लोग बोले थे वीडियो बना के डाल और देंगे, आप लोग को पता है कि हमारे ऊपर किसी का केस हो गया वीडियो बना था, के डाले नहीं थे। क्यों केस नहीं हो गया डाले थे? था क्योंकि केस हो गया था। उस समय और हम हम लोग लोग इधर अपने उधर भटकने लगे थे। बचाव के लिए थे इसकी वजह से, और जो कि टाइमर मेरे में व्हाट्सएप पे 24 घंटे के लिए लगा है तो वो डिलीट हो जाता है और फिर मुझे समय नहीं मिला और कम से कम उसी में 1 महीना हम लोग उसी में झेलते रह भाग गए, दौड़ बच्चों को इसकी वजह से वीडियो नहीं देखा। बना पाए। तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए। देखिए, जो एक हाथ से दे और एक हाथ से ले वो पता नहीं चलता है, और आप लोग नाम बुलवा देखिए, क्या फायदा है। और आप लोग मान लीजिए अगर मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग भी आपके लिए खड़े रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। दुख में हम सबके साथ रहेंगे, चाहे कोई भी हो, सुख में रहें चाहे ना रहें, दुख में हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे वो हमारी दुश्मनी क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अब जान ही रहे हैं। स्कैनर लगा देंगे बगल में, आप लोग देख लीजिएगा और उसको आप तो लोग चलिए, जरूर वीडियो सपोर्ट करिएगा, मदद वीडियो पूरा करिएगा। देखें तो दिल से धन्यवाद, और मदद करिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। नमस्कार।